मध्य नागपुर में खेल के मैदान के अभाव में बच्चे खेलने से वंचित रहे। हालांकि नागपुर नगर निगम के माध्यम से रामजीवन चौधरी के नाम पर एक खेल परिसर बनाया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया कि मध्य नागपुर के कई खिलाड़ियों को इस खेल परिसर के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर देर से रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रामजीवन चौधरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और नागपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़ ने बैडमिंटन खेलकर खेल परिसर का उद्घाटन किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को रामजी पहलवान मार्ग का भूमि पूजन और झील से अशोक स्तंभ तक उमरेड रोड का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने मालविका बंसोड़ का भी अभिनंदन किया। महापौर दयाशंकर तिवारी, पूर्व राज्य मंत्री सुलेखा कुंभारे, विधायक प्रवीण दटके, कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, मोहन माटे, पूर्व विधायक अशोक मानकर, उप महापौर मनीषा धावड़े सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। इस मौके पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि मध्य नागपुर में नगर निगम ने युवाओं को खेलने के लिए बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराई है। उन्होंने विधायक प्रवीण दटके को इसके लिए बधाई दी कि रामजीवन चौधरी अस्थिर, एकनाथराव जोग अस्थिर, गंगाधरराव ढगे अस्थिर, खुशालराव मुरगडे अस्थिर, मुन्ना महाजन असेल, या सगळ्या लोकांनी त्या काळामध्ये आम्ही इथे काम करत होतो। आणि या सगळ्या कार्यामध्ये छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यांच्या घरोघरी जाऊन संपर्क करत होतो। आणि मला आनंद आहे की अशा रामजीवनजींच्या नावाने नागपूर महानगरपालिकेने मी आत्ताच हॉल बघून आलो। निधि से सीमेंटीकरण करने का निर्णय लिया गया और उसके काम का भूमि पूजन भी आज यहां पर संपन्न हुआ। उसी प्रकार से बहुप्रतीक्षित जो बहुत दिनों से प्रलंबित कार्य था वो इस मॉडल मिल चौक से लेकर के हम लोग फवारा चौक की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसका भी भूमि पूजन आज यहां पर समाप्त हुआ। और ये दोनों कार्य के साथ साथ माननीय प्रवीण जी जिस समय महापौर थे, महापौर की दृष्टि से उन्होंने एक सपना देखा था और वो सपना यह था कि मध्य नागपुर में खेलने की सुविधाएं बहुत कम है। अगर एक चिटनीस पार्क मैदान छोड़ दिया तो बाकी खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं है। बड़े मुश्किल से एक राष्ट्रसंत तुकड़ो जी महाराज क्रीड़ा संकुल का निर्माण हुआ था, लेकिन उसके पश्चात बाकी सुविधा न होने के कारण यहां क्रीड़ा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, इसलिए प्रवीण जी ने निर्णय लिया और उस निर्णय की प्रतिश्रुति आज उद्घाटन के रूप में आप देख रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।